और बात करें तो 6 करोड़ से ज़ायद लोगों ने वोटिंग में भी हिस्सा लिया है और अपने इलेक्शन में अपने वोट जो है उनको कास्ट किया है। ये जो अर्ली वोटिंग है ये भी बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि 14% अबव जो है परसेंटेज ये रेशियो दे देती है कि किस तरफ आवाम का रुझान है और अमरीकी जो लोग हैं वो किस को अपना सदर देखना चाहते हैं। इस हवाले से एक न्यूज़ की जानिब से एक छोटा सा पैकेज है और उसके साथ साथ जो है वो हम अपनी टच स्क्रीन के ऊपर जो है वो सारा फिगर्स को कैलकुलेट करेंगे कि कितने लोगों ने वोट कास्ट किया है, कौन सी ऐसी रियासतें थी जहां पर वोट ज़्यादा कास्ट किए गए हैं अर्ली वोटिंग के अंदर, कौन सी ऐसी रियासतें थी जहां पर वोट जो हैं वो कम कास्ट हुए हैं। जुनैना के पास आएंगे और जुनैना से इस बारे में मज़ीद डिटेल्स हासिल करेंगे। जुनैना, ओवर टू यू नाउ। थैंक यू सो मच। और अर्ली वोटिंग की हम बात कर रहे हैं, अर्ली वोटिंग अनमोल काफ़ी पॉपुलर है US में, लेकिन ये हो या आप पहले उसे पोस्ट कर दें, इन पर्सन जाके जमा कराएं, इट मींस कि आपने जो फाइनल डे ऑफ वोटिंग है इलेक्शन का उससे पहले अपना वोट कास्ट कर दिया है। ये कॉन्सेप्ट सिविल वॉर से स्टार्ट हुआ था, जब जो मिलिट्री पर्सनल थे, जो फौजी थे, वो दूर दराज इलाकों में पोस्टेड थे, तो वो अपनी फैमिलीज को अपना वोट पोस्ट कर देते थे और फिर एक प्रॉक्सी वोट कास्ट करती थी फैमिली जाके ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पर्सन। तब से ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ, बहुत लंबे चौड़े अरसे तक इस पर डिबेट होती रही कि इसको वैलिड रखना चाहिए, इसको लेजिटिमेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अब 2001 से लेके अब तक इसको बिल्कुल लेजिटिमाइज कर दिया गया है। इट इज़ एन एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ वोटिंग नाउ। और अब दिन ब दिन हर साल या हर 4 साल बाद जब इलेक्शंस होते हैं तो अमेरिकन्स की तादाद जो अर्ली वोट कर देती है बढ़ती जा रही है। पैंडमिक में सबसे ज़्यादा 100 मिलियन के करीब अमेरिकन्स ने बैलेट के ज़रिए से वोट कास्ट किया था और फिर उसी को फ्रॉड इलेक्शन का नाम दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि उस वक्त के ट्रेंड्स ने ये बताया जब गिनती हो रही थी और बैलेट वाले जो वोट्स थे वो पहले काउंट हुए तो लगा कि ट्रंप जीत रहे हैं, लेकिन जब इन पर्सन वाले वोट्स काउंट हुए तो ट्रंप हार रहे थे और इससे ये फ्रॉड इलेक्शन का सारा मंत्रा जनरेट हुआ था। लेकिन अब डेमोक्रेट्स की ये जो टेंडेंसी है ये सुना है रिपब्लिकन्स भी क्रॉस कर रहे हैं और अर्ली आके वोट कास्ट करते हैं। दूसरा, इसकी लेजिटिमेसी के अलावा जो बहुत बड़ा इशू है वो ये है कि क्या ये इंक्लूसिव है, क्या इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफीज़ होते हैं? तो यस, क्योंकि वोटिंग वाले दिन बहुत कम टाइम होता है इतनी पॉपुलेशन के लिए जाके वोट कास्ट करना, तो 2-3 हफ्ते पहले से ही रजिस्टर्ड वोटर के घर पे उसका बैलेट पेपर पहुंच जाता है। वो उसकी मर्ज़ी है कि वो उसको कास्ट करने इलेक्शन डे पे आता है या वो उससे पहले उसे पोस्ट कर देता है या खुद जाके जमा कराता है। सो इट मेक्स श्योर कि मैक्सिमम लोग आके वोट डालें, चाहे वो पहले डालें या बाद में डालें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जो अर्ली वोट्स कास्ट इन 2024 जनरल इलेक्शन है, इसमें मैं आपको परसेंटेज दिखाती हूँ कि अभी तक कितने लोग वोट डाल चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ वॉशिंगटन। अगर आप वॉशिंगटन को देखें, इस वक्त 2 लाख से ज़्यादा वोटर्स वोट्स ऑलरेडी कास्ट कर चुके हैं, जो कि वहाँ की 34.8% टोटल पॉपुलेशन के बराबर है। इसी तरह जो लार्जेस्ट इलेक्टोरल सीट्स हैं वो कैलिफोर्निया में हैं, तो मैं आपको उधर से भी एक एग्जांपल दिखाती हूँ। कैलिफोर्निया में इस वक्त 6.1 मिलियन अर्ली वोटर्स कास्ट, अकाउंटिंग फॉर 19.7% ऑफ द स्टेट्स वोटिंग एज। इसी तरह ये सारी स्टेट्स के डेटा को अपडेट करते जा रहे हैं डेटा ट्रैकर्स सारे। अगर स्विंग स्टेट्स की तरफ जाएं तो आपको ट्रेंड नज़र आएगा बाय इलेक्शन ईयर। फॉर एग्जांपल, एरिजोना में 2024 में अभी तक 2.1 मिलियन अर्ली वोट्स कास्ट हो चुके हैं। 2020 में सबसे ज़्यादा आपको इसलिए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे देखें 4 मिलियन हैं, जॉर्जिया में अब से ज़्यादा हैं, मिशिगन में भी यहाँ पे ज़्यादा हैं, बिकॉज ये वो इलेक्शन था जो पैंडमिक के दौर में हुआ था, तो लोग घरों पे थे, लॉकडाउन में थे, बट दे स्टिल वोटेड। और इसी तरह ये जो स्विंग स्टेट्स हैं इसमें आप देख सकते हैं कि अभी तक ट्रेंड क्या जा रहा है। इट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट, लेकिन ये प्रोजेक्शंस हैं क्योंकि इनकी गिनती इलेक्शन डे पे ही होगी और उसी दिन बैलेट बॉक्सेस खुलेंगे, तो ये सिर्फ एस्टिमेटेड ट्रेंड्स होते हैं जो वो अपनी साइट्स पे डिफरेंट लोग अपलोड करते रहते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि द ट्रांसपेरेंसी इज़ देयर। लेकिन ये बहुत मुश्किल मामला है। पिछली दफ़ा जब इलेक्शंस हुए थे, US इलेक्शंस अनमोल, 2024 में 4 दिन तक
इलेक्शंस अनाउंस नहीं हो सके थे कि कौन जीता है। लेकिन जनरल अगर अर्ली वोटिंग की बात करें तो आज जैसे आपने कहा कि बड़ी इम्पैक्टफुल है और एक मेजर पॉपुलेशन है जो फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं जो लोग अपनी राय का इजहार कर चुके हैं और काफ़ी हद तक यहाँ से भी जज किया जा सकता है, लेकिन फिर भी एट द एंड हम देखते हैं कि कौन सदर जो दिस इज वाई वो कहते हैं कि आप इनको प्रोजेक्शंस ना समझें, हम आपको फाइनल बात वोट काउंट के बाद ही बता सकेंगे। और प्रोजेक्शंस जब एक दफ़ा 5 नवंबर का दिन ओवर हो जाएगा उसके बाद तो टीवी चैनल्स प्रोजेक्शंस भी नहीं देते, पोल्स भी नहीं देते, बिकॉज वो कंसिडर होगा कि अगर उन्होंने कोई गलत पोल दे दिया तो वो एक पॉस्चरिंग कंसिडर होगी। वेरी मच थैंक यू टू यू, और आपने बहुत अच्छे से हमें ये सारा एक्सप्लेन कर दिया और हमने देखा कि कौन से स्टेट्स में कितने लोग अपना वोट जो हैं वो कास्ट कर चुके हैं और अर्ली वोटिंग का ट्रेंड किस तरह से सेट हुआ, जुनैरा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगेन वेरी मच थैंक यू टू यू। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, मज़ीद भी चीज़ों के बारे में डिटेल्स हासिल करेंगे और अपने पैनल पर मौजूद जो गेस्ट हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।